आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज व्हिच वन एटम और आयन इन द फॉलोइंग पेयर इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? इनमें से किसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये आपसे पूछा गया है। सो देखो, आपको समझना होगा, सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करती हूँ, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली आपकी क्या होती है, ये आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, राइट? जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, राइट? सो देखो, हमारे पास क्या है, ओ नेगेटिव है और सल्फर है, राइट? सो हम इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, ओ नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास 2s2 2p5 और सल्फर की होती है 3s2 3p6, राइट? सो आपको समझ में आ रहा होगा, सॉरी 3p4, क्लियर? अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, देखो ओ नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास 2p5 है आपके पास, मतलब इसको रेडिली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसको रेडिली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी एज कम्पेयर टू सल्फर, राइट? सो ओ नेगेटिव की ज्यादा नेगेटिव होगी, फाइन। सेकेंड मेरे पास क्या है आपका, देखो ओ है और आपका क्या है, एस नेगेटिव है। अब इस केस में अगर मैं बात करती हूँ, सो आपका रिवर्स केस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की क्या है मेरे पास 2s2 2p4 और यहाँ पर एस नेगेटिव की क्या है 3s2 3p5, राइट? अब ये रेडिली एक्सेप्ट करना पसंद करेगा, राइट? सो ज्यादा नेगेटिव होगी तो यहाँ पर एस नेगेटिव की होगी। नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर थर्ड जो है वो क्या है मेरा, ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 2s2 2p5 और इसकी होगी 3s2 3p5, राइट? अब तो दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा जल्दी होगी, सो यहाँ पर हमारा साइज का फैक्टर आएगा। क्यों होता है कि जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास होगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो इनमें से साइज किसका छोटा होगा, ओ नेगेटिव का, क्योंकि उसके पास सिर्फ दो ही शेल और एस नेगेटिव के पास 3 शेल्स है, राइट? सो ओ नेगेटिव का छोटा होगा साइज, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, तो इस केस में ओ नेगेटिव होगा आपका। फोर्थ अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास है आपका एन नेगेटिव एंड फॉस्फोरस, राइट? एन नेगेटिव की होती है 2s2 2p4, राइट? और पी की होगी मेरे पास 3s2 3p3, राइट? सो अब आपको यहाँ पे समझना होगा, देखो यहाँ पर के फॉस्फोरस के पास क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, राइट? हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा सो उसके लिए यहाँ पर क्या है, मतलब कहने का मतलब है उसकी क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा आपके पास क्या है, नेगेटिव होगी, फाइन। बट अगर मैं यहीं पर बात करती हूँ, देखो 3 यहाँ पर 2p4 है, राइट? सो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, सो वो आपका क्या है, सफर करेगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उसकी वजह से, मतलब वैसे सॉरी ये होना चाहिए था क्योंकि ये स्टेबल था तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी आपकी एन नेगेटिव से, राइट? मतलब थोड़ी पॉजिटिव होती, बट आपकी क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे इसलिए फास्फोरस की यहाँ पर ज्यादा होगी, राइट? सो यहाँ पर फास्फोरस होगा, सो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।